हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज मैं एक और वीडियो बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मैं अभी CHSL 2019 का जो पुराना प्रीवियस ईयर जो है, प्रीवियस ईयर नहीं कहेंगे, अभी तो 2019 अभी ख़त्म ही नहीं हुआ, तो 2019 में जो CHSL का जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आया था उसको मैं देख रही थी, पढ़ रही थी, तो मुझे लगा कि एक छोटा सा वीडियो बना देती हूँ। तो चलिए, अच्छा अच्छा क्वेश्चन आया था इसीलिए मैं सोची कि एक वीडियो बना लेती हूँ। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। कोचिंग अप हो गया है लर्नर साहब, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल लर्नर साहब और लेटेस्ट वीडियो एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और ये बिल्कुल मुफ्त है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, द गोल्डमैन प्राइस, ठीक है, विच वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1889 बाई रिचर्ड एंड रोदा गोल्डमैन इज गिविन इन द फील्ड ऑफ, मतलब कि किस फील्ड में गोल्डमैन प्राइज दिया जाता है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी, एनवायरमेंट। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला गया है, इंडियाज पीयू चित्रा ओन गोल्ड मेडल इन। देखिए, क्वेश्चन तो CHSL का है लेकिन मुझे लगता है NTPC के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2019 एकदम करंट अफेयर्स पूछा गया था। ठीक है, इंडियाज पीयू चित्रा ओन गोल्ड मेडल इन वोमेंस 1500 मीटर एट फोक्सम ग्रैंड प्रिक्स 2019 हेल्ड इन। फोक्सम ग्रैंड प्रिक्स 2019 कहाँ पे हुआ था, आंसर होगा क्या, स्वीडन। अच्छा, भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर एग्जीक्यूटेड ऑन 23rd March 1931। द टीम दैट ओन द फर्स्ट टू वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट वाज वेस्ट इंडीज। देखिए, वेस्ट इंडीज वो पहला देश है जो कि फर्स्ट टू वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। ऑप्शन क्या हुआ, दुधवा नेशनल पार्क सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। हुईच अमंग द फॉलोइंग इज वॉज नॉट ए गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इसमें से कौन गवर्नर कभी भी नहीं थे। ऑप्शन क्या होगा, MS गिल। द टर्म हेलेनिस्टिक इज रिलेटेड टू हुईच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ग्रीस। ऑप्शन डी। एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस क्या होगा, हेडफोन, प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड, वेबकैम। इनपुट डिवाइस वेबकैम। ए बायोकेमिकल कंपाउंड इज एनी कार्बन बेस्ड कंपाउंड फाइंड इन लिविंग थिंग्स। द 2018 BWF वर्ल्ड टूर फाइनल मेन सिंगल वॉज ओन बाई सी यूकी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTGS। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है RTGS का फुल फॉर्म, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, मतलब कि ऑप्शन डी। इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII। ASCII का फुल फॉर्म क्या है, ऑप्शन ए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इन जून 2019 व्हिच मिनिस्ट्री वॉज क्रिएटेड बाय मार्जिंग द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन। मतलब कि 2019 में कौन से मिनिस्ट्री को, सब मिनिस्ट्री को मार्ज करके वाटर रिसोर्सेज, रूरल डेवलपमेंट, गंगा रिनोवेशन और क्या बोलते हैं, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन को मार्च करके एक
सिंगल मिनिस्ट्री में कन्वर्ट किया गया, तो क्या होगा, जल शक्ति। अच्छा, द फेमस तंगलिया सॉल इज एसोसिएटेड टू व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया। तंगलिया सॉल कहाँ पे, कहाँ, कौन से स्टेट से फेमस है, गुजरात। अच्छा, द फेमस मधुबनी आर्टिस्ट हु ओन द बिहार रत्न इन 1984 इज सीता देवी। सीता देवी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर स्टेट टैक्सेस इन इंडिया। मेजर स्टेट टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन। द इंडियन शिप दैट विल टेक पार्ट इन द 8th इंडो म्यांमार कोऑर्डिनेट पेट्रोल इज आईएनएस सरयू। इंडिया म्यांमार जो कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग हुआ था वहाँ पर पार्टिसिपेट किया था इंडियन शिप। द राइट पल्मोनरी आर्टरी इज लॉन्गर देन द लेफ्ट, मतलब कि लेफ्ट से बड़ा होता है, मतलब लंबा होता है। एन आइसलैंड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इज कच्चाथीबू। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो आइलैंड है उसका नाम क्या है, कच्चाथीबू। ठीक है, हम्पी द एंशिएंट कैपिटल ऑफ विजयनगर इज लोकेटेड इन, ये तो आसान है, कर्नाटक। अच्छा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस फॉर क्लासिकल कार्नेटिक म्यूजिक। ऑप्शन सी बाला मुरली कृष्णा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन बी नाइट्रोजन। द गांधीकोटा कैनियन ऑल्सो नोन एज द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, मतलब कि ग्रैंड कैनियन कहाँ पे लोकेटेड है, सिंपल आंध्र प्रदेश। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन शिमला। द पैसिफिक वैनगार्ड मैरीटाइम एक्सरसाइज वाज हेल्ड इन, ऑप्शन सी गुआम। देखिए 25 क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्कस की हूँ, तो देखिए जो CHSL का एग्जाम में आया था क्या क्या आया था हम लोग देख लेते हैं। जो जो टॉपिक आया था हम लोग उस टॉपिक को बाद में ध्यान से स्टडी करेंगे। पहला तो आया था फुल फॉर्म, एब्रीविएशन जो जिसको बोलते हैं, कुछ कुछ तो फुल फॉर्म और कुछ कुछ फेमस, मतलब कि सॉल, ठीक है, ऐसे करके आया था। और नेशनल पार्क आया था, और चार नंबर पे एक्सरसाइज वगैरह जो इंडिया और अदर कंट्रीज के बीच में होता है, और क्या क्या देखे थे, हाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये सब स्टैटिक जीके है। इन सब टॉपिक को आप लोगों को ध्यान से पढ़ाई करना पड़ेगा और मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे कि मैं हर वीडियो के एंडिंग में बोलती हूँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ मज़ेदार टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय।